ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो, नाउ यू विल स्टार्ट अवर क्लास। एम आई ऑडिबल? ओके, क्योंकि जो स्क्रीन से की हुई है, सिलेबस आपको दिख ही रहा है। तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक रिलेटेड टू गोम्स, ठीक है। तो सी एम एम भी हमने कंप्लीट कर लिया था, जो अर्लियर गोम्स मैंने बताया था, सिंपल वाला, ठीक है। और वो वर्क करता है आपका के एल एम के फॉर्मेट में ही है, ठीक है। ये आपका पार्ट गोम्स फैमिली ऑफ मॉडल के एल एम और सी एम एम आपका कंप्लीट है। वैसे फिक्स्ड लॉ और रिक्वायरमेंट्स भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स तो अभी यूज में लेते नहीं, तो फिक्स्ड लॉ ही है मोस्टली। और फिर भी अगर कहीं होगा तो रिक्वायरमेंट हम देख लेंगे, अगर आगे कहीं पे भी सिलेबस में इसकी जरूरत हुई तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट होगा आपका मॉडल बेस्ड डिजाइन केस स्टडीज, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें होगी तो वो दिखाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर देंगे। और आपका जो टेस्ट होगा, फर्स्ट मिड टर्म होगा ऑनलाइन वाला जो भी, तो आपके सेकेंड यूनिट है ये वाली यूनिट, फर्स्ट सेकेंड क्या, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ओके। हिस्टोरिकल रिलेशन ऑफ द फील्ड एंड मॉडल बेस्ड डिजाइन एंड इवोल्यूशन एंड गाइडलाइंस इन एच सी आई। तो आपकी टेस्ट में प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए, ये तीनों यूनिट, ठीक। तो आज हम थोड़ा के एल एम का जो रह गया थोड़ा सा पार्ट वो कवर कर लेंगे, और सी एम एम का फुल फॉर्म सबको क्लियर होना चाहिए वैसे, और मैं अभी बता भी देता हूँ। सो हियर, ओके, सेकेंड वन, पहले आपका फर्स्ट इज द के एल एम पी स्ट्रोक लेवल मॉडल ऑलरेडी डिस्कस, और अर्लियर जो मैंने क्लियर किया था सिंपल गोम्स, ओरिजिनल गोम्स प्रपोज बाय कार्ड मोरन एंड नोवेल। तो इनका जो सी है ये एम है और ये एन है, वही क्या है आपका सी एम एन है, सी एम एन गोम्स, ओके। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम है दोनों मॉडल एक तरह से, ओके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपका, ठीक है। सी एम एन एंड के एल एम का सेम ही है, ओके। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो लास्ट हमारा है आज का टॉपिक है हाउ के एल एम वर्क्स, हमें बनाना भी है उस तरह से। तो प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द पी स्ट्रोक लेवल मॉडल के एल एम, ओके। नाउ वी ब्रेक डाउन ए कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क इनटू सीरीज ऑफ पी स्ट्रोक लेवल और एलिमेंट्री लेवल कॉग्निटिव ऑपरेशंस कॉल्ड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी वी नो फाइव ऑपरेटर्स, ओके। देन देयर इज एम, देयर इज आर, देयर इज डी, ओके। सो ईच ऑपरेटर हैज इट्स ओन प्री डिटरमाइंड एग्जीक्यूशन टाइम, ओके, ऑलरेडी गिवन, प्री डिटरमाइंड लेस देन 20 सेकेंड्स, ओके। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो नीड ऑफ डी एन आर, ओके। सो देयर देयर आर टोटल ऑफ सेवन ओरिजिनल ऑपरेटर्स एंड टू डी एन आर आर नॉट यूज मच नाउ डेज, ओके। एंड एनी टास्क एग्जीक्यूशन विद एन इंटरेक्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड टू ए लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा मेन टारगेट है, व्हेन वी एट द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द ऑपरेटर इन द लिस्ट वी गेट एन एस्टिमेट ऑफ द टास्क एग्जीक्यूशन टाइम बाय ए यूजर with the particular system and thereby getting some idea about the system performance from user's point of view. Okay, तो एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास। तो यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मॉडल थ्रू एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। सो वी हैव एन एग्जाम्पल, सपोज द यूजर इज राइटिंग सम टेक्स्ट यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सपोज द यूजर इज राइटिंग सम टेक्स्ट यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर बहुत सारे हैं अवेलेबल, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, ठीक है। वर्ड है आपका, ऑफिस का है, उबंटू में अलग है, ठीक है, नोट पैड है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स। तो सपोज यूजर इज राइटिंग सम टेक्स्ट यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, एट सम इंस्टेंट द यूजर नोटिसेस ए सिंगल कैरेक्टर एरर, कहीं पे बाय मिस्टेक आपका एरर टाइप हो गया, तो रॉन्ग कैरेक्टर हो गया। सो ए रॉन्ग कैरेक्टर इज टाइप इन द टेक्स्ट, ओके। एक बार और देख ले कितने 14 हुए अभी बच्चे, ओके। सो इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई इट द यूजर मूव द कर्सर टू द लोकेशन ऑफ कैरेक्टर यूजिंग माउस। ऑलरेडी हमने देखा था लास्ट में जो एग्जाम्पल था डिलीट वाला, सेम उसी तरह का है।
एक रॉन्ग कैरेक्टर हो गया है, तो वी हैव टू मूव यूजर्स मूव द कर्सर टू द लोकेशन ऑफ कैरेक्टर यूजिंग माउस एंड डिलीट द कैरेक्टर एंड रीटाइप द कैरेक्टर करेक्ट कैरेक्टर रीटाइप द करेक्ट कैरेक्टर ओके एंड आफ्टर दैट यूजर रिटर्न्स टू द ओरिजिनल टाइपिंग पोजिशन बाय रीपोजिशनिंग द कर्सर यूजिंग माउस ओके एंड कैलकुलेट द टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस टास्क using PLM analysis. So ये जो task है ये भी क्या है error rectification का task है कि आपने कुछ wrong type किया है then you have to correct it using mouse okay और then आपको correct करके उसको फिर total जो execution time है वो show करना है okay. So first जो step है building PLM for the task. So to compute task execution time, we first need to build KLM for the task. Okay, it means listing of the operator sequence required to perform the particular task, and we have some steps to follow to make KLM. Okay, so there are steps. First steps building KLM for the task. First step. User brings cursor to the error location. Okay, first. You just move the cursor using mouse. Okay. Then to carry out step one, user moves mouse to the location and click the place to cursor there. Okay. And then operator level task sequence. Okay. अब जो हमने first step किया है तो उसी के regarding यहाँ पे क्या there is a task sequence. तो first है आपका move hand to mouse. ठीक है hand movement is edge हो गया आपका. Then point mouse to the location of Errorless character तो जहाँ पे आपने पॉइंट किया यूजिंग कर्सर आपका माउस के थ्रू तो देयर इज अ पी ओके देन प्लेस कर्सर एट द पॉइंट लोकेशन विद माउस क्लिक अब आपने वहाँ पे जो लोकेशन में पॉइंट करके जो कर्सर को किया है तो वहाँ पे आपका माउस क्लिक तो माउस के जो बटन प्लेस हो रहे हैं उसके लिए क्या आपका बी पी ओके यहाँ पे दो हो रहे हैं डबल टू पी वाला जो कर्सर लगेगा ठीक है देन स्टेप सेकंड क्या है यूजर डिलीट द एररलेस कैरेक्टर तो अगेन डिलीट वाला ऑपरेशन हो गया सो स्विचेस टू कीबोर्ड एंड प्लेस डिलीट की ओके और यहां पे भी टास्क लेवल सीक्वेंस है आपका यू हैव टास्क लेवल सीक्वेंस फर्स्ट रिटर्न टू कीबोर्ड ओके एच एंड देन सेकंड वन इज प्रेस द डिलीट की सो के ऑपरेटर के ठीक है गलती से डी मत लिख देना डिलीट के लिए ओके जब आप भी कोई भी कीबोर्ड पे प्रेस की कर रहे हो तो आपका के ही रहेगा वो ओके नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप थ्री यूजर्स टाइप द कैरेक्टर करेक्ट कैरेक्टर ओके तो जो प्रॉपर कैरेक्टर है कुछ भी वर्ड उसको टाइप करना है सो प्रेस इज द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर की ओके तो उसके लिए सिंपल एक ही टास्क सीक्वेंस रहेगा प्रेस द कैरेक्टर की के ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यूज यूजर रिटर्न्स टू प्रीवियस टाइपिंग प्लेस तो मूव हैंड टू माउस अब प्रीवियस प्लेस था वहीं पे जाने के लिए तो यूजर मूव हैंड्स टू माउस एंड फ्रॉम कीबोर्ड एंड ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द प्रीवियस पॉइंट ऑफ टाइपिंग एंड प्लेसेस द कर्सर देयर विद माउस क्लिक ओके और इसमें टास्क देयर आर टास्क लेवल टास्क सीक्वेंस इज फर्स्ट मूव हैंड टू माउस इन एच देन पॉइंट माउस टू द प्रीवियस पॉइंट ऑफ टाइपिंग टी then place cursor to the pointed location with mouse click B key then ये अब हमारे कितने हो गए total four steps हो गए ठीक है 1 2 3 4 okay अब now we have to calculate total execution time so total execution time is equal to capital T is equal to the sum of all the operators times in the component activities so there is a sequence you can see here T equal to H P B B H K K H P B B ये important है ये sequence कोई भी जो task होगा action होगा perform using through user to the system तो वहाँ पे ये आपको sequence follow करनी है जो अपने four steps में जो भी आपने वहाँ पे task level task sequence जो set किया था वो यहाँ पे रहेगा sequence format में ही रहेगा okay देन ये क्या बता रहा है 6.20 टोटल जो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है तो अगेन यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया इन्होंने जो भी हमने ऑपरेटर सीक्वेंस वहाँ पे लिए थे अकॉर्डिंग टू स्टेप्स तो फर्स्ट स्टेप में क्या था पॉइंट एट द एरर सो एच पी बी बी
अगेन जो हमारे पास ऑलरेडी एच पी और बी के लिए जो वैल्यूज है वो यहाँ पे कट कर दी गई है. ओके तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो स्टेप है उसका भी एग्जीक्यूशन टाइम आ गया, तो 1.70 देन सेकंड स्टेप के लिए डिलीट कैरेक्टर एच पी है ऑपरेटर सीक्वेंस देन टोटल है आपका 1.60 देन स्टेप 3 ओनली सिंगल कैरेक्टर के लिए था तो के. ओके तो 1.20 देन 4 इज रिटर्न टू द प्रीवियस टाइपिंग पॉइंट सो एच पी बी बी सो 1.70 टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर स्टेप 4. ठीक है तो अब हमें यहाँ आपको जो बनाना है जैसे ठीक है एग्जाम पर्पज के लिए बता रहा हूँ ठीक है तो आपको कोई टास्क होगा और उसके स्टेप्स को फॉलो करके आपको ये 4 स्टेप या फिर 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको ये करना होगा KLM के लिए टोटल एग्जीक्यूशन टाइम. ओके क्लियर है ना सबको. तो अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ऑनलाइन ठीक है तो उससे पहले मैं अटेंडेंस भी दूंगा तो हम बैक टू अवर एग्जाम्पल. ठीक है ये सबको क्लियर है ना. अभी यहाँ पे कोई इश्यू है स्टेप्स में या कहीं पे एनी इश्यू अगर कुछ भी इश्यू हो तो अभी बता दो. क्लास वैसे भी आज लंबी नहीं चल पाएगी बस हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन टूल्स का KLM का जो क्लियर हो जाए हमारा KLM आगे हमें रिपीट नहीं करना पड़े. एनी इश्यू रिलेटेड टू दिस स्टेप्स एंड टोटल एग्जीक्यूशन टाइम सबको क्लियर है. जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा ठीक है. तो मैंने एक टेबल भी शो किया था जो प्रीडिफाइंड जो है ऑपरेटर्स की जो टाइमिंग है वो शो की हुई तो आपको उस रेफरेंस बुक में भी मिल जाएगा ठीक है. तो आपको वो याद रखना पड़ेगा ठीक है ना वो याद रखना पड़ेगा आपको. क्लियर है ना सबको ठीक है चलो. सो अब जो हमने किया है ऑलरेडी वी हैव डन दिस. ओके देयर आर 4 स्टेप देन टोटल एग्जीक्यूशन टाइम टी. अब किसी को कुछ और याद आ रहा है कि कुछ मिसिंग हो रहा है यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा है नीचे मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ. ओके यहाँ पे एक वर्ड लिखा है समथिंग मिसिंग कौन बताएगा कितने ऑपरेटर थे और कौन कौन से थे कौन बताएगा. जो अकॉर्डिंग टू NPTEL में आपके 3 टाइप्स के थे कुछ मिस कर रहे हैं हम. और मैंने जब बताया था KLM जो ब्रीफ जो फर्स्ट रिव्यू बताया उसमें देर आर टू स्टेप्स टू फेजेस ठीक है देर आर टू फेजेस उस फेजेस में भी आपको क्लियर होना चाहिए तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या हम मिस कर रहे हैं कौन बताएगा. एनीवन कुछ मिस कर रहे हैं हम ऑपरेटर्स में. हमने 4 स्टेप तो इजीली कर ली कुछ मिस कर रहे हैं. अगर जो नहीं बता पा रहे इसका मतलब दे हैव नो मेंटल मॉडल इन देयर माइंड. जब हम पढ़ रहे थे KLM अभी देख रहे थे एग्जाम्पल तो उनके मेंटल मॉडल में मतलब उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था या तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे ठीक है ना. मेंटल मॉडल बनना चाहिए ना आपका. तो हम जो मिस कर रहे हैं वो क्या है एम. आपको ऑपरेटर ध्यान हो तो फिर से मैं बता देता हूँ हमने जो है यहाँ पे यूज किए अगेन रिपीट कर लो. देखो एच है हमारे पास पी है बी है के है ठीक है होंगे 1 2 3 4 ठीक है 4 ही है हमारे पास और हमने क्या बताया 5 तो एक तो मिसिंग हो रहा है. अगेन 6 और 7 कौन सा था डी एंड आर ठीक है तो एक मिस हो रहा है उसका कोई बताएगा डिटेल यहाँ पे टाइप कर दो यहाँ पे चेक बॉक्स में कौन सा वाला मिस कर रहे हैं. डी और आर हमने बता दिया कि नाउ देयर इज नो यूज ऑफ डी एंड आर देन वी हैव एच पी बी एंड के और एक और बीच से हो रहा है तो यहाँ टाइप करके बताओ. यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स कौन सा टाइप बाकी है. नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई है नहीं क्लास में. मैंने सब कुछ उसमें दिया नहीं था क्या कल वाले में. देखो मैंने यहाँ पे PDF नहीं दी क्या तो किसी ने मैसेज भी नहीं किया कि PDF नहीं दिए. और वैसे ऑनलाइन अवेलेबल है NPTEL पे भी अवेलेबल है आपको NPTEL पे यहाँ मिल जाएगा ठीक है. यहाँ पे ये स्लाइड मिल जाएगी डायरेक्ट आपको ये मॉडल भी.
और बुक आपको मिली चुकी होगी अब तक जो मैंने पहले बताया था। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ तो जी बताओ भाई, कौन सा ऑपरेटर जो मिसिंग है? ऑपरेटर कौन सा मिसिंग है बताओ भाई, इतना टाइम नहीं लगने चाहिए ना। और अभी मैंने आइडिया भी दे दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ टाइप करना है, और नहीं पता है तो लो कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपने कल की क्लास में भी ध्यान नहीं दिया है। हेलो, रिस्पॉन्स चाहिएगा यहाँ पे भाई। हेलो, ये क्लास को जल्दी खत्म करना है तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए। और अगर आपको लंबा चलाना है क्लास तो देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो इशू। यस या नो में आपको पता बताना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर मिसिंग था। हेलो, हेलो, यस या नो बताओ भी, पता है या नहीं। फिर मैं अभी आगे नहीं बताऊंगा इसमें मिसिंग वाले में, फिर अगर आप नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो फिर ये मिसिंग वाला आगे मैं बंद, आप देख, आप जाके फिर वहां से देख लेना, आप एनपीटेल की साइट पे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो ये मान के चलो कि आपको नहीं पता है तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आगे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मिसिंग समथिंग वाला तो आप देख लेना खुद ही। ठीक है, तो अभी क्लास हम थोड़ा सा कर लेंगे कवर इसको जल्दी से। ओके, तो अटेंडेंस में लास्ट में दूंगा अब, और 32 है सो ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने एक लिख उसको सीक्वेंस को तो कॉपी किया ही नहीं, कॉपी कर लेता हूँ उसको, सीक्वेंस को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी सीक्वेंस है कॉपी, अब यहाँ पे कुछ वेरिएशन होगा तो पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टूल्स है ऑनलाइन। ओके, फिजिकल ऑपरेटर, ओके, बहुत देर से किया, एम ऑपरेटर, एम मेंटल मॉडल वाला, मेंटल मॉडल। ठीक है, तो आप देख लेना वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल है अवेलेबल, ठीक है, MIT का ही है ये, तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, यू हैव टू सर्च योर विथ, यू हैव टू सर्च विथ योर स्कोपे विथ योर सिस्टम यूजिंग योर सिस्टम ऑन इंटरनेट। तो आपका है कीस्ट्रोक लेवल मॉडल कैलकुलेटर। ओके, सिंपल क्या है, और यू कैन मेक ए प्रोग्राम इन C++ और जावा, आप खुद भी ये कीस्ट्रोक लेवल मॉडल, बिकॉज वी हैव ऑल ऑपरेटर्स वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या है, वैल्यू है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ फिक्स भी कर रखी, जैसे कीस्ट्रोक के लिए 0.28 है, बटन के लिए 1 है,
पॉइंट पी के लिए 1.1 है, एच के लिए 0.4 है, मेंटल ग्लैंड जिसके लिए मैंने बताया था एम फॉर 1.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सीक्वेंस दी हुई है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिंपली अगर जैसे भी हम वेरिएशन कर रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे आप देखो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम इज 5.50 सेकंड, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 KB कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली 4.94 हो जाता है। तो इन्होंने कोई एग्जाम्पल लेके दिया है, एंटर एन एक्शन स्ट्रीम बिलो टू कैलकुलेट इट्स कॉस्ट इन की स्ट्रोक लेवल मॉडल, ठीक है। तो अब मैं अपना वाला जो है वो टाइप कर देता हूँ, जो वहां पे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम क्या आ गया 4.36 सेकेंड, 4.36 सेकेंड। अब यहाँ पे जो मिसिंग वाला था वो क्या था, एम, मेंटल मॉडल वाला जो था एम। अब आपको आइडेंटिफाई करना है इस सीक्वेंस में जो आपने जो 4 स्टेप्स किए थे वहां, तो ये जो एम वाला है, बिकॉज ये एम हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, हम कहाँ यूज करते हैं एम, जब हमें उसको डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए हमारे पास क्या था, मेरे ख्याल से यहाँ पे था और आई थिंक यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे एम कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एम कर दिया। तो देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम चेंज हो गया 5.56, ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है, विजिबल है ना, विजिबल है सबको, की स्ट्रोक लेवल मॉडल KLM कैलकुलेटर। तो एग्जाम में हो सकता है आपको एक एक्शन दिया जाएगा, ठीक है, सिंपल एक्शन होगा, देन यू हैव टू डिवाइड इनटू सिंपल स्टेप्स, आपको उस एक्शंस को क्या डिवाइड करना होगा यूजिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, और आपको एक एक्शन सीक्वेंस जो था, ठीक है, लेवल सीक्वेंस जो था वो बनाना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर्स, और देन आपको ये कैलकुलेटर आप या तो आपको यूज आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा इन एग्जाम, अगर कैलकुलेटर होगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन तो मिलेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो आपको पूरे जो सीक्वेंस है ऑपरेटर सीक्वेंस है उनको पूरा राइट करके देन यू हैव टू टाइप टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर दैट एक्शन, ओके, क्लियर है सबको, एनी इश्यू विद दिस टूल, ये मैंने ढूंढ के निकाला है भाई ऑनलाइन, ठीक है। ये आपका है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, 2009 का बना हुआ है, ओके, और इससे रिगार्डिंग जो रेफरेंसेज है जो इन्होंने जो भी ये कहा है मॉडर्न और नॉवेल का है वो डिटेल भी दी गई, तो आप ये डायरेक्ट डिटेल जो है स्ट्रोक KLM यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस रेफरेंसेस रिसोर्सेस, क्लियर है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, अगर कोई इश्यू है तो बता देना, नहीं तो फिर ये आपको पढ़ना चाहती है और ये टूल आप यूज कर सकते हो जो भी आप बनाना चाहते हो उसके लिए। इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वही लेगा, नहीं लिया इतनी इसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप अपना एक्शन को यहाँ पे कर सकते हो, और मैं एग्जाम में भी हो सकता है पूछूंगा, और बाकी फाइनल एग्जाम में अगर कुछ होता है तो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और आपके लिए अटेंडेंस फॉर्म भी कर देता हूँ, ये आपका 12 बजे तक रहेगा, ओनली 37 स्टूडेंट ही है आपके, टोटल है 35 स्टूडेंट्स ओनली है, और अगर 35 से ऊपर अटेंडेंस आती है तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं आज के लिए, ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको ये फॉर्म अटेंडेंस के लिए, ओके, ठीक है। तो ये अटेंडेंस फॉर्म आप फिल कर सकते हो,
जो केस स्टडीज है जैसे नेक्स्ट जो था केस स्टडीज का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले ही बता देता हूँ तो आप पढ़ के आ सकते हो उसको, केस स्टडी ऑन मॉडल बेस्ड डिजाइन। तो आप मोस्टली हम यहीं से पढ़ेंगे एनपीटेल की स्लाइड से ही, ठीक है। बुक में भी है, बुक वाली भी अगर होगी तो मैं और बता दूंगा डिटेल्स, ठीक है। देन दो है आपकी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट में आई थिंक होगा आपका फिक्स डायग्राम मॉडल फॉर विजुअल सर्च, ओके, फॉर विजुअल सर्च, तो उसके रिगार्डिंग होगा, ये मैं बता दूंगा। और मोस्टली जो है आपका वर्चुअल कीबोर्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दो एक वर्चुअल कीबोर्ड हो गया, नॉट टास्क बेस्ड, यानी टास्क बेस्ड नहीं, ओके। दूसरा है जिसमें कि फिट्स लॉ ही टाइमर रहूंगा, तो दो केस स्टडी है आपकी रिलेटेड टू मॉडल बेस्ड डिजाइन, ओके। ये देख लेते हैं कितने 24 हो गए, 25 हो गए हैं, किसका भी हो गए हैं, जैसे अभी 35 होगा, 35 तो नहीं यहाँ पे कितने चलेगा तो देखते हैं, अभी 35 होने पे मैं क्लोज करता हूँ, फिर अभी मैं स्टार्ट करूँगा इसको, 35 हो। अटेंडेंस हो गई, कोई मिसिंग है अभी यहाँ पे, फिर मैं क्लोज करूँगा थोड़ी देर के लिए इसको, अटेंडेंस फॉर्म को सबने फिल कर दिया फॉर्म, एनीवन मिसिंग, हाँ हाँ बरोबर, सिंपल ये तीन ही ऑप्शन है, आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ नहीं है ज्यादा, ईमेल आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कॉलेज आईडी है, ये भी एक तरह का टास्क है। चलो यही है आपका असाइनमेंट, नोट कर लो, असाइनमेंट नोट कर लो सभी असाइनमेंट फॉर KLM, ठीक है। उसमें रहेगा आपका कैलकुलेट टोटल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर फिलिंग द फॉर्म फॉर अटेंडेंस, ओके। इसको ट्राई करो, इसके स्टेप्स बनाओ, ये वाला असाइनमेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको, मेरे को ऐसे असाइनमेंट नहीं देना था, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो तो असाइनमेंट दे देते हैं आपका। ये ऑनलाइन जो कैलकुलेटर है वो आपको हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। आप पहले स्टेप्स बना दो अकॉर्डिंग टू KLM, ठीक है। देन आपको वो एम भी यूज करना पड़ेगा, जो हमने वहां मिस किया था ना, वो एम आपके स्टेप्स पे होना चाहिए, उस एम को भी हम काउंट करेंगे, तब जाके आप ये कैलकुलेटर यूज करोगे, स्टॉक लेवल मॉडल कैलकुलेटर, तब आपको क्लियर एग्जीक्यूशन टाइम, यानी आपने कितना टाइम लिया, बिकॉज कि मैंने यहाँ नोट किया, जैसे मैंने ये फॉर्म दिया था आपको 11:26 AM पे, और अभी हो रहा है 11:31,
कि कितना जो टाइम लगा है, तो इस हिसाब से इंडिविजुअल आपका खुद का जो टाइम है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे अकॉर्डिंग टू के एल एम। ठीक हो सकता है आपने कम भी लिया हो सकता है आपने ज्यादा लिया हो, लेकिन जो के एल एम बताएगा वो एवरेज रहेगा, एवरेज यूजर का जो एग्जीक्यूशन टाइम है फॉर फिलिंग द फॉर्म फॉर अटेंडेंस। ठीक है, उसकी अटेंडेंस फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, आपको के एल एम पे ध्यान देना है और आपके स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, उनको डिवाइड करना है स्टेप्स में, अगेन ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है। ओके, और एक मेंटल मॉडल वाला एम जो है उसको अप्लाई करना है, जिसको कि हम यू कैन से एज अ मेंटल एनालिसिस जो कि होगा, उसका जो भी रीजनिंग होगा कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो टू फिल दैट फॉर्म। ओके, और अकॉर्डिंग टू फिर आपका टोटल इंडिविजुअल स्टेप्स का भी बताना है आपको प्लस, और ये मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एक और फॉर्म दूंगा जिसमें कि आप वो सबमिट करोगे आपका रिजल्ट, आप उसको चाहे तो पीडीएफ बना लो। ठीक है, आप पीडीएफ भी बना लो, सिंपल एक सिंगल पेज की पीडीएफ में हो जाएगा आपका ये काम सारा काम। ठीक है, ओके, तो असाइनमेंट तो मैंने वहां पे भी डाल दिया है और मैं डेट भी डाल दूंगा लास्ट डेट जब तक कि आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ 33 हो गया, और कोई बाकी है अटेंडेंस में? आई थिंक कुछ लोग बाकी है, क्योंकि यहाँ पे 33 हो गए, 33 35 तक होने चाहिए पहले जो थे बच्चे। अभी कोई अटेंडेंस मिस तो नहीं है? मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूंगा, अगर है तो बता दो अभी। हेलो, हो गया? ठीक है, तो क्लास इज ओवर हियर, आपको असाइनमेंट करना है और सबमिट करना है। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्टॉप। आप वन बाय वन लेफ्ट हो सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको ऑन करके 12 बजे तक रखूंगा अटेंडेंस को, फिर देखते हैं कितने लोग आते हैं। Yeah, you will be on the board. Create responses.